दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से ली है और खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर की गई एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था। ये बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए और 1,00,00,000 रुपए के हो सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI उन्हें बेचने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले बॉन्ड की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इसमें जो व्यक्ति राजनीतिक दल को दान देना चाहता है वह पहले बैंक से बॉन्ड खरीदता है, फिर वह जिस भी राजनीतिक दल को दान देना चाहता है उसे दान के रूप में बॉन्ड दे सकता है। उस बॉन्ड की वैधता अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के बैंक खातों में वह राशि जमा करा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 दिनों के लिए मान्य होता है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट के अनुसार यह परिवर्तन नागरिकों के जानने के अधिकार यानी राइट टू नो का उल्लंघन करता है।